आज लंच के लिए हम हरे प्याज की सब्जी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने ये एक कप बेसन लिया है। इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। बेसन को बेसन के साथ बनाएंगे स्प्रिंग ओनियंस। बेसन को चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे नीचे से। गैस की आंच मैंने एकदम ही कम रखी, थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी हाफ टी स्पून के करीब में लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रहे हैं कलर के लिए। चलाएंगे। तब तक चलाएंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर ना बदल जाए। बेसन हमारा अच्छे से सिक गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है सिकने की और इसका कलर भी बदल गया है थोड़ा सा। तो अब हम इसे निकाल देते हैं और सब्जी की तैयारी करते हैं। हरे प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये नॉनस्टिक पैन लिया, तेल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले गैस की आंच तेज करते हैं। फिर सबसे पहले तेल में मैं हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी राई डाल रही हूँ। साथ ही में हरी मिर्च डालें कटी हुई, तो थोड़ा सा चलाते हैं। अब इसमें हम ये हरे कटे प्याज डालेंगे। तो सबसे पहले मैं ये प्याज जो मैंने हरे वाले से प्याज अलग कटवाए हैं ये प्याज डाल रहे हैं। थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। के बाद इसी में ये हरे कटे हुए प्याज हैं ये डाल देंगे। तो हम मिला लेते हैं। अच्छे से तो तेल में ही थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। तो नमक अभी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ये एकदम पानी छोड़ देगा। नमक हम लास्ट में डालें। प्याज एकदम अच्छे से थोड़े से फ्राई हो गए। इसमें थोड़ा सा मैं अब जिंजर का पेस्ट डाल देंगे और गार्लिक।
ये थोड़ा सा गार्लिक मिला लेते हैं। पांच छोड़ कम कर देते हैं उसी टाइम पर। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी मिर्च भी डाल देते हैं। मिर्ची क्योंकि मिर्ची बेसन में भी डाली हुई है और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार रखिए जितना चाहिए। अब हम इसको मिला लेते हैं। खुशबू आ रही है चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। ये अच्छा टेस्ट है। ला लीजिए अब इसमें हम ये जो हमने रोस्ट किया हुआ बेसन है इसे ऐड करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले एक चम्मच, फिर दो चम्मच और ये तीन चम्मच। बस पहले इतना ही डालते हैं और इसको मिलाते हैं अच्छे से। पूरा बेसन प्याज के साथ एकदम मिक्स हो गया है। हमने इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ ऑयल में ही बनती है। कम रखेंगे तो भी बनेगी, बट जब हम बेसन डालते हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से मिक्स होने के लिए और वो ड्राई रोस्टेड होता है तो उसको तेल में थोड़ा सा रोस्ट होने के लिए थोड़ा सा तेल चाहिए। और बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे फ्राई होने में ही टेस्ट आता है। आप बेसन को बेक करके खाइए आपको नहीं अच्छा लगेगा। बेसन कभी भी बेकिंग बेसन अच्छा नहीं लगता है। या तो आप स्टीम करिए। तो ये हमारी बेसन की सब्जी एकदम बनके रेडी हो गई है। इसलिए मैंने ये बड़ा पैन लिया क्योंकि इसमें मिक्सिंग करने में आसानी होती है। तो देखिए ये बेसन की सब्जी और हरे प्याज की सब्जी एकदम स्प्रिंग ऑनियंस विद ग्राम फ्लोर एकदम बढ़िया बन गया है। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारी हरे प्याज और बेसन की सब्जी एकदम रेडी हो गई आफ्टरनून लंच के लिए। आप लोगों को सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए और थैंक यू फॉर लिसनिंग।